मैं फरहान आईएमबी से आज हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में कि 2014 में क्या हुआ था और 2019 में क्या हो सकता है। तो हम बात शुरू करते हैं कि 2014 में बीजेपी को 73 सीट मिले थे, खुद के उनके अपने 71 सीट थे और दो सीट अपना दल से मिला के उनका टोटल सीट हुआ था 73, और एसपी को मिला था 5, कांग्रेस को मिला था 2 और बीएसपी को मिला था 0। अब हम बात करते हैं कि 2019 की चुनाव में क्या हो सकता है। तो आप एक बात कर लीजिए कि मोदी की लहर आप सोचिए कि जैसे 2014 में था 2019 में वैसा ही है। तो अगर हम उस चीज़ को उसी प्रकार लेके चलते हैं कि मोदी का लहर उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस हैं जो है कि बीएसपी और एसपी का गठबंधन। अब इस गठबंधन की वजह से क्या होगा वो मैं बताता हूँ। 2019 का गठबंधन एसपी और बीएसपी की वजह से क्या होगा उस पर रोशनी डालने से पहले मैं आपको 2014 के परसेंटेज, वोट ऑफ परसेंटेज को दिखाता हूँ। 2014 में बीजेपी का जो परसेंटेज था वो था 42.3%, एसपी का परसेंटेज था 22.2% और बीएसपी का परसेंटेज था 19.6%, कांग्रेस का परसेंटेज था 7.50% और अपना दल को मिला था 1%। तो इसके वजह से बीजेपी को 42.3% की वजह से उनको जो सीट मिला था वो मिला था 73 सीट। अब आप परसेंटेज बीएसपी का और एसपी का एक साथ कर देते हैं तो वो परसेंटेज आता है तकरीबन 41.8%। तो तकरीबन उतना ही हो जाता है जितना कि बीजेपी को मिला था 2014 में 42.30। अब इस परसेंटेज के बढ़ने से होगा क्या? बीजेपी के करीब करीब एसपी और बीएसपी आ जाते हैं, जो सीट का बंटवारा होगा उसका रुझाव इस प्रकार हो सकता है। बीजेपी को तकरीबन 40 सीट मिलेंगे, एसपी बीएसपी को मिलेगा 38 और कांग्रेस को मिलेगा 2। ये उस वक्त पॉसिबल है कि जब बीजेपी का लहर वैसे ही होना चाहिए जैसा कि 2014 में था। अब मैं बताता हूँ थोड़ा लहर कम रहा तब क्या होगा। देखिए, मोदी का लहर वैसा नज़र नहीं आ रहा है ग्राउंड में जैसे 2014 में था। उसका रीज़न और उसका कारण ये है कि जीएसटी के से वजह से कुछ लोग नाराज़ हैं, नौकरी की वजह से कुछ लोग नाराज़ हैं, नोटबंदी एक मसला है, मॉब लिंचिंग एक है प्रॉब्लम्स और राम मंदिर, इन सभी मसलों को लेकर इन लोगों के अंदर थोड़ी नाराज़गी है। तो इस नाराज़गी को अगर हम थोड़े परसेंटेज में बदलते हैं, अगर लोग 10-12% भी लोग नाराज़ हो गए तो इसका परिणाम कुछ अलग ही कैलकुलेशन जाएगा। वो इस प्रकार होगा कि बीजेपी को सिर्फ मिलेंगे 22 सीट और एसपी और बीएसपी को मिलेगा 50 सीट और कांग्रेस को मिलेगा 8 सीट। एक बात और चल रही है कि प्रियंका के आने की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि प्रियंका हो सकता है कि वोट को कट करें जिससे एसपी और बीएसपी को कम सीट मिलेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वैसा नहीं है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत सोच समझ के अपने कैंडिडेट को ग्राउंड में उतारी है। उसके बारे में हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, बहुत तकरीबन 50 कैंडिडेट कांग्रेस के ऐसे हैं जिसको आप वीक मान सकते हैं, उनको एसपी और बीएसपी के कैंडिडेट के सामने जितना मुश्किल होगा। तो इनडायरेक्टली लगता है कि कांग्रेस एसपी और बीएसपी को सपोर्ट कर रही है। हाँ, 2-3 सीट पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है जहाँ के मुस्लिम इलाका है और मुस्लिम शहर है, वहाँ पे गठबंधन की तरफ से भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं और कांग्रेस की तरफ से भी मुस्लिम कैंडिडेट है। तो वहाँ ये देखना पड़ेगा कि जनता क्या डिसाइड करती है। कांग्रेस एसपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रही है कि आप ये देख लें, जहां मुलायम सिंह खड़े हैं वहां पे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा है, अखिलेश यादव जहां खड़े हैं वहां भी कोई कैंडिडेट नहीं है,
डिंपल यादव जहाँ खड़ी हैं वहाँ भी कोई कैंडिडेट नहीं है, अजीत सिंह जहाँ खड़े हैं वहाँ भी कोई कैंडिडेट नहीं है, जयंत चौधरी जहाँ खड़े हैं वहाँ भी कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिल में एसपी के लिए ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर कांग्रेस एसपी और बीएसपी का गठबंधन अनऑफिशियली हुआ है तो बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और लोग कहते हैं कि जिसका यूपी उसी का पीएम, तो देखना पड़ेगा इस गठबंधन का इस बार 2019 के पीएम बनाने में कितना बड़ा रोल होता है।